इतिहासकारों का मत है कि शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से हुई थी। फरात यानी यूफेरट्स और दजला यानी टिग्रिस नदियों के बीच स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता अपनी संपन्नता, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका साहित्य पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद फैला। इजिप्ट के फैरोस के साथ भी मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। अभी लिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को, मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग को, सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन का एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। उस प्रदेश की प्रथम ज्ञात भाषा सुमेरियन यानी सुमेरी थी। धीरे धीरे 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कदी भाषा बोलने वाले लोग यहां आए, तब अक्कदी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कदी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व से धीरे धीरे अरामाइक भाषा का भी प्रवेश शुरू हुआ। ये भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। ये आज भी इराक के कुछ भागों में बोली जाती है। मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं, जो धीरे धीरे एक पेड़ों से घिरी हुई पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल भी हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। उत्तर में ऊंची भूमि है, जहां स्टेपी घास के मैदान है। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी नहीं थी। ईरा की खजूर और पॉपुलर के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियां या गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कुछ खास कारगर नहीं थी, और औजार, पात्र या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहां उपलब्ध थी नहीं। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगवाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहां खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जब इसके लिए कोई सामाजिक संगठन होता, जो विदेशी अभियानों और विनियमों को निर्देशित करने में सक्षम होता। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थीं। इसीलिए इतिहासकारों का मानना है फरात नदी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में काफी महत्वपूर्ण थी। लेखन कला का विकास। सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है, जिसमें उच्चरित ध्वनियां अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भाव अभिव्यक्ति कहते हैं। मेसोपोटामिया में जो पहली पट्टिकाएं पाई गई हैं, वे लगभग 3200 ईसा पूर्व की हैं। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई हैं। वहां बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली हैं, जो वहां के दक्षिणी शहर उरुक के मंदिरों में आने वाली और वहां के बाहर जाने वाली चीजों की रही होंगी। कहा जा सकता है कि लेखन कार्य तभी शुरू हुआ जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर होते थे। उन्हें करने वाले भी कई लोग होते थे और सौदा भी कई प्रकार के माल के बारे में होता था। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता था और फिर उसको गूंथकर और थापकर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता था
जिसे वो आसानी से अपने हाथ में पकड़ सके। वो सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना देता था और फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वो उसकी नम चिकनी सतह पर कीलाकार चिन्ह, जिन्हें क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है, बना देता था। इन मिट्टी की पट्टिकाओं को धूप में सुखाकर मजबूत कर लिया जाता था और वे मिट्टी की बर्तनों की तरह ही मजबूत होती थीं। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी हो जाता था तो उस पट्टिका को फेंक दिया जाता था। ऐसी पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसीलिए मेसोपोटामिया के खुदाई स्थलों पर हजारों पट्टिकाएं मिली और इस स्रोत संपदा के कारण ही आज हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पाए। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलाकार हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण को कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून में उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए किया जाने लगा, जो देश की आम जनता के लिए बनाए जाते थे। मेसोपोटामिया की सबसे पुरानी ज्ञात भाषा सुमेरियन का स्थान 2400 ईसा पूर्व के बाद धीरे धीरे अक्कदी भाषा ने ले लिया। अक्कदी भाषा में कीलाकार लेखन का रिवाज ईसवी सन की पहली शताब्दी अर्थात 2000 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। 5000 ईसा पूर्व से दक्षिणी मेसोपोटामिया में बस्तियों का विकास होने लगा था। इन बस्तियों में से कुछ ने प्राचीन शहरों का रूप ले लिया। ये शहर कई तरह के थे। पहले वे जो मंदिरों के चारों ओर विकसित हुए, दूसरे जो व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित हुए, और बाकी शाही शहर थे। उरुक नाम का नगर, जो उन दिनों सबसे पुराने मंदिर नगरों में से एक था, से हमें सशस्त्र वीरों और उनसे हताहत हुए शत्रुओं के चित्र मिलते हैं, और सावधानी पूर्वक किए गए पुरातात्विक सर्वेक्षणों से पता चलता है कि 3000 ईसा पूर्व के आसपास जब उरुक नगर का 250 हेक्टेयर भूमि में विस्तार हुआ तो उसके कारण दर्जनों छोटे छोटे गांव उजड़ गए और बड़ी संख्या में आबादी का विस्थापन हुआ। उसका यह विस्तार शताब्दियों बाद फूले फले मोहनजोदड़ो के नगर से दोगुना था। यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि उरुक नगर की रक्षा के लिए उसके चारों ओर काफी पहले ही एक सुदृढ़ प्राचीर बना दी गई थी। शासक के हुक्म से आम लोग पत्थर खोदने, धातु और खनिज लाने, मिट्टी से ईंटें तैयार करने और मंदिर में लगाने, इसके अलावा सुदूर देशों में जाकर मंदिर के लिए उपयुक्त सामान लाने के कामों में जुटे रहते थे। इसकी वजह से 3000 ईसा पूर्व के आसपास उरुक में तकनीकी क्षेत्र में भी काफी प्रगति हुई। अनेक प्रकार के शिल्पों के लिए कांसे के औजारों का प्रयोग होता था। वास्तुविदों ने ईंटों के स्तंभों को बनाना सीख लिया था। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीनों में विभाजन, एक महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, एक दिन का 24 घंटों में और एक घंटे का 60 मिनट में विभाजन, ये सब जो आज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया के निवासियों से ही हमें मिला है। समय का यह विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने भी अपनाया। वहां से यह रोम और इस्लाम की दुनिया को मिला और फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुंचा। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थितियों पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की इन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक भी उपलब्धि संभव नहीं हो पाती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता, जहां विद्यार्थी गण पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, और जहां कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सके। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।